चलो आज एक किस्सा सुनाती हूँ। कई बार लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना जो आपको सिर्फ डीमोटिवेट करना चाहते हैं, तो ऐसी बातों पे ना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक घर में आग लग जाती है। अब उस आग को बुझाने के लिए कई लोग मिलकर पानी डालते हैं। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी होता है। चिड़िया भी बार बार अपने चोंच में पानी भरती है और घोंसले में लाकर डालती है। ऐसा वो लगातार करती है। ऐसा देख एक कौवा जो उस घर में बैठा होता है वो देख कर बोलता है कि जिस तरीके से तुम आग बुझाने की कोशिश कर रही हो, अपने घोंसले को बचाने की कोशिश कर रही हो, ऐसा करने से तुम्हारा घोंसला नहीं बचने वाला। चिड़िया बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब देती है कि मुझे पता है ऐसा करने से मेरा घोंसला तो नहीं बचेगा, लेकिन कल को जब इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, ना कि बैठकर तमाशा देखने वालों में। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखो, जब भी आप अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके रास्ते में ना ऐसे कई सारे लोग आएंगे जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो बस ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है।